अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद पॉजिटिविटी पॉजिटिवनेस एंड विद वन मोर पॉजिटिव थॉट. सी रिमेनिंग प्रेजेंट एवरी मोमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट टू परफॉर्म माई बेस्ट एंड बी हैप्पीएस्ट. मीन्स अगर हम प्रेजेंट रहे अपने प्रेजेंट में मोमेंट, यहाँ पर मोमेंट मीन्स प्रेजेंट, तो ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो हमारे बेस्ट को परफॉर्म करने में और हमें हैप्पी बनाने में हेल्प करती है. अगर हम ये सोचें कि नहीं हम पहले तो ये करते थे, अभी कैसे करें, ये मुश्किल काम है, ऐसे नहीं हो सकता, या हर चीज के लिए प्रॉब्लम ये सोचे ये प्रॉब्लमेटिक है तो मुश्किल हो जाएगा. तो जो आज है अगर उसमें हम प्रेजेंट रहकर और काम करने की कोशिश करें तो हम सबसे अपने वर्क को परफेक्ट कर सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम. बिकॉज देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये बहुत ट्रू फैक्ट है, ऐसा ही होता है. सो विद दिस पॉजिटिव थॉट लेट्स स्टार्ट विद आवर मैथ्स with your math book, Maths Now, same chapter, chapter number 2, addition and subtraction, and exercise 2C, correct? Let's start. So, hopefully, mere thought is... GK, this is your book, Wisdom Tree, a book of journal knowledge. Let's start with the chapter, chapter 1. So on page number 7, no. Let's start the first unit, beautiful nature. As we all know, nature is very important for us. Without nature, we cannot survive because nature includes all the basic things of our life. I mean, air, water, plants. Plants gives oxygen. So today we will learn about beautiful nature. Beautiful nature, astonishing facts. Tinctures are made from herbs that have been soaked for a long time in glycerin, water or alcohol. These tinctures are taken as medicine. Tinctures ये herbs से बने हुए हैं और इनको soak किया जाता है बहुत time तक के लिए glycerin में, water में और alcohol में, और इनको use किया जाता है medicine के form में. Maple group is the best known product of the maple tree. Maple group is rich in sugar and can be used as a substitute for sugar. Maple syrup best known product hai maple tree ka, aur maple syrup rich hota hai sugar, rich in sugar, sugar se rich fulfill hota hai aur usko substitute ki tarah use kiya jata hai, sugar ki jagah usko use kiya jata hai. And hornbills can pluck food from the branches while they are flying. Hornbills क्या करते हैं? Pluck करते हैं food को branches से जब ये fly करते हैं. These are the facts about the nature. Snakes don't have either eyelids or ears and their eyes don't move. Snakes के eyelids नहीं होते, ears भी नहीं होते और वो अपनी eyes को move भी नहीं कर पाते. To hear they feel the vibration through the ground. और सुन जब उनको कुछ चीज़ सुन मतलब मीन्स हेयर करनी है, हर्ट करनी है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो कैसे फील करते हैं, वो ग्राउंड की वाइब्रेशन से पता लगाते हैं कि कुछ होने वाला है या कुछ आ रहा है. There is an island in Brazil where civilians are forbidden to go. It has up to 5 snakes per square meters. Island है ब्राज़ील में जहाँ पे सिविलियंस को जाने दिया जाता है और इस ये 5 स्नेक्स पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है. डॉग्स स्ट्रेच देयर फ्रंट लेग्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम एंड लोअर देयर बॉडीज व्हेन दे वांट टू प्ले. डॉग्स स्ट्रेच कर सकता है अपने फ्रंट लेग्स अपने आउट इन फ्रंट ऑफ देम अपने फ्रंट लेग्स को और लोअर कर सकता है अपनी बॉडीज को जब वो उसको प्ले करना होता है. एंड द ओल्डेस्ट कार्निवरस प्लांट लीव फॉसिल्स फ्रॉम अ रिलेटिव ऑफ रोरिडुला was found in Baltic amber. जो oldest carnivorous plant है leaf fossil from a relative of Rorydula, ये relative है Rorydula का और ये Baltic amber में मिलता है. It is 35 millions to 47 millions years old. और ये 35 million से 47 million years old है, इतना पुराना है. तो this is the fact about the nature. Second
लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज वर्क पेज नंबर 6 मेडिसिनल प्लांट. सी देर आर मेनी प्लांट्स आर अवेलेबल इन नेचर एंड विच वी आर यूजिंग एज अ मेडिसिन. इन पेज नंबर 6 रीड द क्लूज एंड फिल अप द ब्लैंक्स चूज फ्रॉम द बॉक्स. आपको क्लूज को रीड करना है और फिलअप करना है ब्लैंक्स को, और ये जो क्लूज हैं ये बॉक्स में दिए हुए हैं. फर्स्ट वन, इट इज अ प्लांट हैविंग रिलीजियस वैल्यूज इन इंडिया. ये वो प्लांट है जिसकी इंडिया में रिलीजियस वैल्यू है. इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग मैनी डिजीज सच एज नोसिया, डायसेंट्री एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम. इसको यूज किया जाता है बहुत सारे डिजीज के लिए, जैसे कि नोसिया, डायसेंट्री एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम. तो दिस प्लांट इज नोन एज तुलसी. ऑलमोस्ट सबके घर में अवेलेबल होता है. तो तुलसी इज अ प्लांट विच इज यूज एज अ मेडिसिन एंड दिस इज यूज एज अ मेडिसिन फॉर द डिजीज सच एज नोसिया, डायसेंट्री एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम. सेकेंड, इट इज अ प्लांट हूज सीड आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल. ये वो प्लांट है जिसके सीड्स को यूज किया गया है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. द फ्लावर ऑफ दिस प्लांट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड येलो इन कलर. जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं इस प्लांट के, वो बहुत ब्यूटिफुल हैं और येलो कलर के होते हैं. तो दिस फ्लावर इज नोन एज द सनफ्लावर. वी यूज द सनफ्लावर ऑयल इन द किचन फॉर प्रिपेयरिंग वेजिटेबल, फॉर कुकिंग वेजिटेबल एंड फॉर मेकिंग पराठा एंड ऑल. तो वी यूज अ सनफ्लावर ऑयल. थर्ड वन, द सीड्स ऑफ दिस हर्ब्स आर यूज फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम इंटेस्टाइनल गैस एंड आर ऑल्सो यूज एज स्पाइस इन अ करी. इस प्लांट्स की जो सीड्स हैं या इस हर्ब के जो सीड्स हैं उसको इंटेस्टाइनल गैस से रिलीव करने के लिए यूज किया जाता है और एज ए स्पाइस भी यूज किया जाता है करी के अंदर. एज वी ऑल नो दिस प्लांट, दिस सीड्स आर नोन एज फेन्युग्रीक विच वी यूज इन इन आर किचन. फोर्थ वन, इट इज अ प्लांट यूज फॉर करिंग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्योरिंग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम. ये वो प्लांट है जिसको यूज किया जाता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के क्योर के लिए. इट इज यूज इन आर फूड एंड ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटिंग ईयर एक. इसको यूज किया जाता है हम खाने के लिए और यूज किया जाता है ईयर एक के लिए. ईयर एक में गार्लिक, गार्लिक इज यूज इन अ किचन फॉर फूड मेकिंग, फॉर कुकिंग फूड एंड ऑल्सो ट्रीटिंग फॉर द ईयर एक. इट कैन, और वी कैन से इट कैन गिव द, इट कैन रिलीव फ्रॉम फ्रॉम ईयर एक. फिफ्थ वन, दिस हर्ब इज ऑफ येलो कलर हैविंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी. ये जो हर्ब है ये येलो कलर का है और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है. इट इज कॉमनली यूज इन आर किचन. ये हमारी किचन में कॉमनली यूज किया जाता है. एंड दिस हर्ब इज नोन एज टर्मरिक. हम अगेन, इट इज यूज इन आर किचन एज ए स्पाइस, स्पाइस की तरह यूज करते हैं. एंड इट्स कॉमन नेम इज हल्दी, हल्दी की फॉर्म में जानते हैं इसको. सिक्स वन, प्लांट्स विच इज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेंसिलिन. ये वो प्लांट है जो सोर्स है एंटीबायोटिक पेंसिलिन का. एंड दिस, द नेम ऑफ दिस प्लांट इज सिंचोना. सेवन वन, हर्ब विच इज यूज इन मेनी मेडिसिनल रेमेडीज. ये वो हर्ब है जो बहुत सारी मेडिसिनल रेमेडीज के लिए यूज किया जाता है. एंड ऑल्सो यूज इन आर टूथपेस्ट फॉर गिविंग फ्लेवर. और इसके अलावा टूथपेस्ट में के लिए भी यूज किया जाता है, टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है टूथपेस्ट को फ्लेवर देने के लिए. एंड दिस प्लांट इज नोन एज मिंट. इस प्लांट को हम मिंट कहते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ मिंट. एंड द स्टेम ऑफ दिस प्लांट इज यूज इन आर फूड एंड समटाइम्स इन टी. जो स्टेम है इस प्लांट की, इसको यूज किया जाता है फूड की तरह, बहुत बार टी की तरह. इट इज यूज फॉर क्योरिंग कोल्ड एंड कफ. इसको यूज किया जाता है कोल्ड एंड कफ के क्योर के लिए. एंड दिस प्लांट इज नोन एज द स्टेम ऑफ दिस प्लांट इज नोन एज जिंजर. जिंजर हम किचन में यूज करते हैं फॉर गिविंग द फ्लेवर टू द टी ऑल्सो. टी को फ्लेवर यूज देने के लिए हम इसको यूज करते हैं. तो दिस इज और दीज आर ऑल द मेडिसिनल प्लांट्स विच वी यूज इन आवर किचन एंड विच वी यूज एज अ मेडिसिन फॉर क्योरिंग इन मेनी ऑफ द डिजीज. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7, नेशनल ट्रीज. दीज आर नेशनल ट्रीज ऑफ सम कंट्रीज
राइट देयर नेम्स चूज फ्रॉम द बॉक्स. ये कुछ ट्रीज दिए हुए हैं, दीज आर द नेशनल ट्रीज ऑफ सम कंट्रीज. फॉर आफ्टर वॉचिंग द पिक्चर और वी कैन इजिली आइडेंटिफाई वॉट आर द नेम ऑफ दीज ट्रीज. तो मादागस्कर, इट्स द नेम ऑफ द ट्री इज बायोबब, इट्स अ नेशनल ट्री ऑफ मादागस्कर. सेकेंड वन इज नेशनल ट्री ऑफ बांग्लादेश इज मैंगो ट्री. मैंगो ट्री है नेशनल ट्री बांग्लादेश का. थर्ड वन कैनेडा, द नेशनल ट्री ऑफ कैनेडा इज मैपल, MAPLE मैपल. फोर्थ वन द नेशनल ट्री ऑफ न्यूजीलैंड, नेशनल ट्री ऑफ न्यूजीलैंड इज सिल्वर फर्न, SILVER सिल्वर, FERN फर्न, सिल्वर फर्न. फिफ्थ वन द नेशनल ट्री ऑफ जर्मनी, नेशनल ट्री ऑफ जर्मनी इज ओक, OAKO ओक ट्री. एंड सिक्स वन नेशनल ट्री ऑफ अ ट्री ऑफ पाकिस्तान इज डिओडा, DEODAR डिओडा. सी स्पेलिंग इज ऑफ द गिवन ट्रीज आर गिवन इन हेल्प बॉक्स. तो काइंडली कम्प्लीट योर वर्क एंड दोज हु हैव नॉट परचेज द बुक सेट, काइंडली परचेज द बुक सेट एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे.